फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो कि हमें अपने किचन से ही मिल जाती है और हम उसे रोज़ उपयोग में लाते हैं। ये चाय की पत्ती है और इसको हम पौधों के लिए यूज कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में और ड्राई फॉर्म में। तो इसमें काफ़ी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो लिक्विड बनाने के लिए चाय की पत्ती को हम लेकर आधा चम्मच 1 लीटर पानी में भिगो दें और 2 घंटे के लिए भीगा रहने दें। उसके बाद छान कर फ्रेंड्स हम इसको अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। ऐसे ये देखिए पत्तियों पर यूज कर सकते हैं इसे छिड़काव करके। और लिक्विड फॉर्म में भी मतलब पत्तियों पर और सॉइल में भी इस तरह से डाल सकते हैं और ये पत्तियों में अच्छी शाइन देता है लिक्विड फर्टिलाइजर। और दूसरा है ये इस तरह से ड्राई, ये जो चाय की पत्ती मतलब चाय हम बनाते हैं उसमें से छान कर ये जो चाय की पत्ती निकलती है उसको अच्छे से धो लें और धो कर इसको सुखा लें तो इसको भी हम अपने पौधों में दे सकते हैं। ये छोटे पौधा है, छोटा प्लांट है तो इसमें 1/2 चम्मच दे सकते हैं और बड़ा पौधा है तो इसमें ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसमें भी सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन थोड़ा जो चाय की पत्ती लिक्विड है उससे थोड़ा कम होते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी फ़ायदा मंद है मतलब अच्छे, इसमें भी पौधों की ग्रोथ के लिए क्षमता है अच्छी। तो इसको भी दे सकते हैं, हफ्ते में ये 1-2 बार फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं इसका। और ये दूसरा है कि जो हम चाय बनाते हैं छानने के बाद में जो चाय की पत्ती बचती है तो वह हम इकट्ठी करते जाएं, किचन में एक डिब्बा रख लें इस तरह से कोई सा भी, तो इकट्ठा करते जाएं और एक दूसरा बड़ा कंटेनर लेकर उसमें छेद कर लें और उसमें यह डालते जाएं और 1 हफ्ते बाद उसमें कोकोपीट ऊपर से डालते जाएं जिससे कि कीड़े ना पनपें। और वेद कंपोजर भी इसमें ऊपर से डाल दें जिससे कि जल्दी से खाद बन जाए। और बेस कंपोजर नहीं है तो 1 ग्लास में थोड़ा सा गुड़ लेकर उसको भिगो दें रात भर और उसको लिक्विड हो जाए तो इसमें डालते जाए। तो इस तरह से जब भी ये डिब्बा भर जाए तो उस कंटेनर में डाल दें और उसके बाद में कोकोपीट ऊपर से डालते जाए और ये कंपोजर भी डालते जाएं जो हमने गुड़ से बनाया है या जो भी है आपके पास वेस्ट कंपोजर वह डालते जाएं तो खाद बन जाएगी जल्दी और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिर पौधों के लिए। तो ये तो काफ़ी अच्छी खाद बनती है ये वाली, तो इस तरह से भी खाद को बना सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए 3 तरह से हम चाय की पत्ती से ही खाद बना सकते हैं और अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स।